अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आज का जो वीडियो है ये हमारे भर्ती से तो मुताल्लिक नहीं है, ना ही मवाद है ना ही इन्फॉर्मेशन है। एक वीडियो है जो हमारे जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स, चूँकि हम जो फ्यूचर में हम एस्पायरेंट्स और फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो उससे ही मुताल्लिक है आज का जो वीडियो। के जो नीचे के लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट टू फोर्थ स्पेशली, या फर्स्ट टू फिफ्थ जो होते हैं, इन पर किस तरीके से हम इनको जो है एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके उनके जो है आईक्यू लेवल के हिसाब से उनको हम जो है टीच कर सकते हैं, और कितनी ज़रूरत है आज के दौर में जो है, स्पेशली अगर मैं तीन से चार सब्जेक्ट अगर बोलूँ, इंग्लिश हो, रियाजी हो, हमारी मादरी जबान उर्दू हो और मराठी हो, ये तीन चार जो लैंग्वेजेस है, इन पर जो है फोकस करने की वजह से इनका फ्यूचर अच्छा बनता है। और हमारा जो है ये एक स्टेज होता है प्राइमरी लेवल का, वो किस तरीके से हम उसको आसान तरीके से बच्चों तक, ये मेरी कुछ कोशिशें हैं जो अब तक मैं पहुंचा रहा हूँ, वो एकदम अदनासी जो कोशिशें हैं, लेकिन हम कैसा उनको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और उनको फ्यूचर में जो है आसानियाँ पैदा होने के लिए उन तक उनके अंदर कैसा जो है माहौल क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि पिछले लॉकडाउन से जो है बच्चे जो है ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है मैं और मेरे स्टाफ ने तो ऐसे डाइवर्ट होने की उनकी ना हो इसलिए बहुत सी कोशिशें की है, और उसी का नतीजा ये है कि बच्चे आज बहुत सी चीज़ें जो है सीख चुके हैं। और मेरी कुछ ऐसी कोशिशें है मेरे थर्ड और फोर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर, तो ये वीडियो पूरा आप देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। और जो बच्चों को क्या बेसिकली जो है मैं कहना चाहूँगा कि सिखाना चाहिए घर पर भी, स्पेशली टीचर ने ही नहीं, हमारे जो पेरेंट्स भी है उन्होंने भी, और खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूलों के मुतालिक जो है राय है आम तौर पर, आम जो है शहरी की या नागरिक की, तो इसको बदलना चाहिए। तो ये मेरे कुछ बच्चे हैं तीसरी और चौथी की, आप ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शेयर भी करें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं आदत लिखूंगा, तुमको मुरब्बा बोलना है वो किसका है, आदत कुछ भी लिखूंगा मैं, जो भी लिखूंगा ठीक है। मैंने लिखा यहाँ 256 कौन से आदत का मुरब्बा, शाबाश। उसके बाद में आ जाओ, अब मुझे कौन बोलेगा 289, 289, शाबाश। उसके बाद में तीसरी वाले बोलो भला, ये 144 कौन से अदद का मुरब्बा है, शाबाश। यानी ए ग्रुप वाले 12 है ना। अब मैंने यहाँ लिख दिया हूँ 22 का मुरब्बा क्या है, कौन बोल सकता, शाबाश, 484 ये मुरब्बा है। मुरब्बे की तारीफ कौन बोले, सब बोलेंगे एक साथ बोलो भला, मुरब्बे को लिखने का तरीका कैसा है, कुव्वत के साथ, कैसा, जैसा के 22 की कुव्वत, यानी 22 की कुव्वत 2 यानी 22 जरा 22, इसको क्या पढ़ा जाता है, कुव्वत, 22 की कुव्वत 2, 22 का मुरब्बा क्या हुआ फिर 480। ऐसे हमको तीसरी और चौथी मिलाकर कम से कम 50 तक या 30 तक और ज्यादा से ज्यादा 50 तक याद होने चाहिए, तकरीबन तीसरी वालों को 20 तक याद हो गए, चौथी वालों को 50 तक याद, 50 तक मतलब किसी को 35 तक, किसी को 30 तक, किसी को 40, किसी को 45 और 50, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो है चौथी वाली जो है 30 से ऊपर ही मुरब्बे हमको याद है। चलो पहाड़े हमको तकरीबन जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका, होने वाला है, इसकी वजह से जो चलो उसके बाद में मैंने आपको ये मुरब्बे का तरीका बताया है ना, यानी हम 1 से 50 तक जितने भी मुरब्बे याद है वो कुव्वत के साथ लिख भी सकते है ना, जितने पहाड़े याद है वो हम पूरे लिख सकते, इससे हमको जरा और तकसीम आसान हो गया है ना। अब मुझे बताओ, अब इकाई और पैमाइश में बताओ भला, मुझे एक साल में कितने दिन, शाबाश, एक साल में कितने हफ्ते, शाबाश, 52। अब
मुझे बताओ एक महीने में कितने दिन? शाबाश, फास्ट बोलो। तीस या एक महीने में कितने हफ्ते? पांच। उसके बाद में मुझे बोलो एक साल में एक दिन में कितने मिनट? मिनट 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। 1400 और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। शाबाश। एक घंटे में कितने मिनट? 60 ही मिनट होते हैं, है ना। और उसके बाद में मुझे बोलो 1000 एक किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। आप समझो मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, 5 किलोमीटर अगर मैं चला हूँ तो मैं कितने मीटर चला हूँ? 5000। क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चला तो मैं कितने मीटर चला? 5000। मेरे पास 5 किलो अनाज है तो मेरे पास कितने 5 किलोग्राम अनाज है तो मेरे पास कितने ग्राम अनाज है? 5000। 500 नहीं, पैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मेरे पास 5 किलो अनाज है, 5 किलोग्राम अनाज है तो मेरे पास कितने ग्राम अनाज है? हाँ, मेरे पास 2 रुपए है तो मेरे पास कितने पैसे हैं? 200 पैसे है। ये सिक्के और नोट हमको हम समझ में आना चाहिए, तो समझे ये पूरा। हमको इससे जो है हमारा माइंड क्लेवर होता है। ओके, हाँ आप जा सकते। इसका 183 बोलने का 84 नहीं है। शाबाश, जा सकते। 22 का पढ़ो अहमद। 22 का 22 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
22। शाबाश। हबीबा 17 का पढ़ो। 53। लिख सकते ये पहाड़ा खुद से, जो पढ़ सकता वो लिख सकते। अगर 2 से 30 तक पहाड़े याद है तो पूरे लिख सकते अगर याद रहे तो। हाँ वो बोल रहा हूँ। हफ्सा 18 का पढ़ो। 18 7 124 18 8 144 18 8 144 18 7 124 18 7 124 18 7 124 हाँ चलो 18 8 144 18 9 162 18। शाबाश। मुरब्बे कहाँ तक याद है? मुरब्बे 35 तक। शाबाश शाबाश। चलो जब मुस्कान कमाल अंसारी पढ़ रहे हैं 26 का पहाड़ा। 26 का 26 26 डरो मत। 26 का 26 26 दूनी 52 26 73 26 74 26 25 31 26 82 26 82 86 90 200 34 26 26 26। ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। मुरब्बे कहाँ तक याद है? 45। शाबाश 45। जो याद है वो लिख सकते, मैंने यहाँ कुछ लिखा तो पहचान सकते कितने का मुरब्बा है। वेरी गुड। सब पहचान सकते अगर मैं यहाँ पर जी सर बोलने का, जी सर बोलने का। शहनाज बोलो भला 676 मुरब्बा कौन से आदत का है? बोलो। शाबाश। कितने का है? 26। मुरब्बे की तारीफ बोलो भला। तारीफ किसी अदद को उसी अदद से ज़रब देने पर जो जवाब आता है वो जो जवाब या हासिले ज़रब आता है उसको उस अदद का, इसको कैसा लिखते? कुव्वत में है ना। जैसा 26 का मुरब्बा 26 की कुव्वत 2 बराबर है 26 ज़रब
26, 26 जरब 26 कितने हो गए फिर 676, यानी किसी अदद को उसी अदद से जरब देने के बाद जो हासिल जरब आता है वो उस अदद का मुरब्बा कहलाता। शाबाश। मुरब्बे कहाँ तक याद है शहनाज तुमको? 50 तक। पहाड़े 30 या 33? कच्चा पक्का 33 तक। पक्का है 33 तक। डरने का नहीं, अपने को थोड़ी, आपने कोई खा सक खाने वाला है क्या भाई, बिंदास बोलने का। ठीक है, ये चार्ट्स पे से तुम लोग को बार बार इसलिए मैं बोल रहा, देखा करो। ठीक है।